दोस्तों अज शाम बाबा जी का जन्मोत्सव है। अज जन्मोत्सव के मौके से जिहड़ी शाम कमेटी है मलोह की शाम परिवार है उन्होंने मतलब जागरण करवाया संकीर्तन भी कह सकते हैं इसके कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं और पहुंचे कलाकार जो वधिया करते हैं कीर्तन वगैरह वह भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अज थोनू मैं दिखावांगा पूरा जो व्यू होगा मतलब संकीर्तन का। तो अच्छ शाम बाबा जी का जन्मोत्सव भी है। शाम बाबा जी थोड़ी सारिया मनोकामना पूरी करन और सारे बधाई जन्मोत्सव से शाम बाबा जी की। हाँ जी गल असं पहुँच गए खाटू शाम जी संकीर्तन चे जा रहे हैं उस हूँ इधर गुरुद्वारे गुरु पुरब करके लाइट्स वगैरह लगी हुई ने असं जा रहे थे स्क्रीन वगैरह लगी इधर तो असं पहुँच गए असं एंटर कर गए लाइन च लग गए मत्था टेकन लई हाल दे विच जी बनाया हाल दे विच जी बनाया है ना जान नूं लाइन च लग गए असीं मत्था टेकन लई सौम्या भी आ गई रिशु भी आ गई है रिशु इधर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लोग दाल फुलका और कड़ाह बनया हमारे अमलोह में मैं 12-13 साल पहले आया था अरुणाए भोले बाबा के मंदिर के तत्वाधान में हमारे कुलदीप जी यहाँ होते थे। कुलदीप जी है कितने साल हो गए कुलदीप जी हमें 11 साल हो गए ना गुरु जी थे वो क्या नाम था गंगापुरी जी महाराज गंगापुरी जी है ना तब हम वो हॉल में आए थे कहीं रोड पे। हाँ आज देखो फिर 12 साल बाद यहाँ आए हैं लेकिन परमात्मा से कहते हैं कि अगली बार 12 साल ना लगे 12 महीने बाद आए इतना टाइम ना लगे। और हमारे बाबू जी प्रदीप बंसल जी चंडीगढ़ से GMI ग्रुप आपके हम लोगों के ही है और जितना भगवान ने इनको दिया है उतना ही ये भगवान के लिए वापस भी कर रहे हैं। आपके सबसे बड़ी बात है अभी हाल ही में लाला पूर्णचंद सर्वहितकारी स्कूल के नाम से इन्होंने स्कूल को अडॉप्ट किया है ताकि हम लोगों के बच्चे पढ़ सके वो बच्चे पढ़ सके जो फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण पढ़ाई से दूर रह गए। शीतला माता मंदिर को बनाना हो या गौशाला का शेड लगाना हो गौ गंगा गौरी तीन ग है जिसको हमें संभालना है गौ गंगा गौरी गौरी बेटियों को गौ हमारी गौ माता गंगा हमारे मंदिर जिसने ये तीन ग संभाल लिए जिसने तीन कार्य कर लिए उसकी गत भगवान संभाल लेता है। तो तीनों कार्य इन्होंने संभाले हैं और उनकी हर कार्य को भगवान संभाले। मैं एक बार चाहूंगा प्रदीप जी पर खड़े होकर सबको प्रणाम कर दें यही जन्मे पले बड़े यही पूरा इन्होंने अपना जीवन जोरदार तालियां एक बार ऐसी शख्सियत के लिए होनी चाहिए क्योंकि भगवान के लिए जो करते हैं ना भगवान उनके लिए जरूर करते हैं। समय कम है लेकिन जितना भी होगा उतना आपके बीच में हम लोग नहीं मैं आज मेरी बड़ाई नहीं करूंगा सच बताऊं तो मेरे पास जब ये हम लोग वाले आए
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ ਸਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕੋ ਸਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਊਗਾ। ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ, ਕਿਸੀ ਸੇਠ ਕੋ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲੇਗਾ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇਦੇ ਦੇਦੇ ਭਾਈ। ਬੋਲੋ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ, ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਕੇ ਜਨਮੋਤਸਵ ਕੀ ਬਧਾਈ ਹੋ, ਬਧਾਈ ਹੋ।
आज तक तो नौ ही लेते थे ना तुम, नौ के आगे गए ही नहीं। जैसे कंकर कंकर में शंकर है, ऐसे कण कण में मां बसती बसती। जहां जोत जल जाती है वहां आग भवानी आ जाती है। और बाबा के दरबार में बड़ी जोत इसलिए रखी जाती है कि बाबा को बाबा बनाने वाली आग भवानी है मां दुर्गा, इसलिए जोत बड़ी इस कारण से रखी जाती है। तो जो मां को मानते हैं दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। Thank you.
सारा कर लो, चटनी भूरी कर लो, बथेरी हरी चटनी खा ली, अब तो भगवी चटनी खाई हो तो
तो वो नाराज कैसे रह जाएंगे। और जो कहता है